हम रिव्यूज़ लेते हैं, सजेशन लेते हैं, फीडबैक लेते हैं हर चीज़ शुरू करने से पहले, चाहे वो घूमने जाना है, ऑर्डर करना है, ऑनलाइन कोई सामान मंगाना है या कुछ भी एक्स वाई जी चीज़ें करनी है, तो हम सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट करने के लिए से पहले क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं, रिव्यूज़ सजेशन सब लेते हैं, फैमिली फ्रेंड सबसे। लेकिन क्या एजुकेशन में हम ऐसा करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है? नहीं करते। हमें एजुकेशन के लिए भी एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि वो एजुकेशन प्रोवाइडर हमें क्या क्या दे रहा है, सपोर्ट कितना दे रहा है, आफ्टर कोर्स क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है, या हमें उसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है। हम सिर्फ एक काम करते हैं, किसी चार पांच लोगों से पूछकर एक अच्छा नाम लेके हम उसमें एडमिशन करा देते हैं। हमारे बच्चे भाई बहन सभी को हम कोर्स कराना चाहते हैं, पर हम एक रेलिवेंट सोर्स से करवाना चाहते हैं, तो इसलिए फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम एक लाइव स्टूडेंट सेशन करेंगे, उसमें रिव्यूज़ होंगे, लाइव रिव्यूज़ होंगे, और वो हम आज आपके सामने रखेंगे। मेरा नाम है सुशील और DIDM में DIDM के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा हमने आपको बताया था कि हम स्टूडेंट्स का एक लाइव रिव्यू सेशन रखते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्लास उनका चल रही थी और अभी हमने ट्रेनर्स को रिक्वेस्ट की है कि वो थोड़ी देर के लिए हमें वो चांस दें कि हम इसे लाइव रिव्यू लें। तो विल स्टार्ट, ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपका नाम? सर राजीव। आप बैठिए बैठिए, नॉट प्रॉब्लम। सर राजीव कुमार। राजीव, आप क्योंकि आपने एनरोल किया है, आपको कैसे पता चला DIDM के बारे में, किसी से पता चला है या आप खुद सर्च करके आए हैं? सर मैंने खुद सर्च किया है, रैंडमली विजिट करा था। ठीक है, थोड़ा सा आप लाउड बोल सकते हो जिससे हमारे व्यूअर्स सुन लेंगे। जी। सर मैंने सर्च कर रहा था इस कोर्स के बारे में, ठीक है, तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट्स फाइंड करने स्टार्ट करा, तो फिर मैंने रैंडमली इंस्टीट्यूट पे विजिट करा, ठीक है, फिर वहाँ ट्रेनर्स और ब्रांच मैनेजर से मेरी बात हुई, फिर मेरे मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन थे वहाँ सेटिस्फाइड हुए, तो फिर मैंने एनरोल कर लिया। अभी तक का आपको जो एक्सपोजर है वो कैसा लग रहा है? सर सही है। ठीक है, चलो फिर मैं दोबारा पूछूंगा कुछ और। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सेम क्वेश्चन, आपको DIDM के बारे में कैसा? सर गूगल से मैं सर्च करके। गूगल से पता चला? जी सर। अच्छा, और सर्च किया तो आपने DIDM क्यों सेलेक्ट किया? सर इसके बारे में सर मैंने सुना था और भाई ने मेरे पता लगाए थे कि तो यही है मैं सर। तो आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक? हाँ सेटिस्फाइड हैं सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जस्ट ओके, क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, हमें ट्रेनिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप ट्रेनिंग्स कैसी लग रही हैं अभी तक? सर टीचर्स सर सपोर्ट कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं अपना। सर मतलब 3-5 बैच है हमारा, तो मतलब हर उसको बताते रहते हैं। ट्रेनर्स के बारे में क्या ख्याल है जहाँ पे? ट्रेनर्स ट्रेनर सर सही है सर, सही पढ़ाते हैं। और क्या? अच्छा, कोई कंप्लेंट हो तो बोल सकते हो? नहीं सर कोई कंप्लेंट नहीं है। चलो ठीक है, बाकी हाँ सपोर्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा गर्ल्स से, यहाँ पर लड़कियों से पूछता हूँ। आप बताएं कि आपको कोई अगर क्वेश्चन आता है, इंक्वायरी है आपकी, या जो सपोर्ट स्टाफ हमारे लिए मेल्स करता है, या उसमें कोई दिक्कत है अभी तक? नो सर, सर से कुछ भी पूछो सर तुरंत रिप्लाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको सपोर्ट से कोई दिक्कत नहीं है? कभी भी कोई बिहेवियरल इशू आया हो आपका हमारे स्टाफ से? नो सर, सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, सब लोग पोलाइटली बात करते हैं, हर चीज में हेल्प करते हैं। सेम क्वेश्चन गोज टू ऑल द गर्ल्स हियर, सो आपसे स्टार्ट करते हैं। नो सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, कभी भी कुछ भी पूछो दे हेल्प अस आउट, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ट्रेनिंग्स में भी कोई इशू नहीं है? सपोर्ट से कोई इशू नहीं है? स्टडीज, स्टडीज से रिलेटेड सर नो इश्यूज? नो इश्यूज, कुछ अलग भी बोल सकते हैं? यानी कि आपको सपोर्ट, जैसे आपने कहा इश्यूज नहीं है, तो आपको कैसे हेल्पफुल लग रहा है आपको? सर हेल्पफुल ऐसे बिकॉज़ अभी रिसेंटली लाइक मैंने एक क्लास मिस कर दी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो तुरंत लाइक मैंने कांटेक्ट किया मीनाक्षी मैम को, शी वाज देयर और पवन सर आल्सो सेड कि दे विल अरेंज फॉर बैकअप क्लासेस फॉर मी, सो इट हैज बीन गुड। थैंक फॉर यू। अच्छा, तो ओवरऑल अच्छा रेटिंग्स में अगर मैं बात करूं, चलो हम इसे शॉर्ट रखते हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप DIDM को क्या रेट करना चाहोगे आउट ऑफ 10? सर 8.5। 8.5 दोगे? हां जी। चलो पॉइंट जो दूसरे वाला है 1.5 वो बात। अच्छा, आपसे पूछो रेटिंग 8.5 या 9? यस सर, 9 दे सकते हो? यस सर।
दोनों में से श्योरिटी कौन सी है? 9 यस सर। अभी तक का एक्सपीरियंस? सर इट्स वेरी नाइस, आई हैव लर्नड माय मेनी थिंग्स हियर, जो मतलब बेसिकली जो हर एक हर दिन एक नई नई चीज सीखने के लिए मिलती है, जो चीज जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं सब ठीक है। एनी यूनिक फीचर, कोई आपको ऐसा लगे कि ये कोई यूनिक चीज है जो मुझे यहां अच्छी लगी है कंपैरेटिवली? क्योंकि आपने सुना तो होगा ना बाकी जगह पर क्या चल रहा है या किसी और के अपने बाकी जगह पे, जैसे कि एक्सपीरियंस देखा जाए कि और जगह पे ना मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले वो कब बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ हम सिखाएंगे, बट वो आगे चल के ना वो चीज़ हो नहीं पाती है, बट यहाँ पे जो उन्होंने बताया वो एग्जैक्टली वो चीज़ से हो गया टिल द टाइम, तो और जगह से काफ़ी हर चीज़ बेस्ट है यहाँ। बैकअप्स वगैरह मिल रहे हैं आपको अभी? कोई किसी का ऐसा है जिसको बैकअप की ज़रूरत पड़ी हो, ऐसा कोई है आपको ज़रूरत पड़ी थी और आपको पड़ी थी, मिले आपको प्रॉपर बैकअप्स? दैट इज़ नाइस। तो ओवरऑल फीडबैक्स आर गुड, अभी तक हमने जितना देखा जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमारे कवर अप हुए हैं, और अभी तक फीडबैक में ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो ट्रांसपेरेंट हैं लोग, अभी भी बता सकते हैं, इफ़ यू आर ट्रांसपेरेंट अफ आप मुझे बोल सकते हो कि ये नहीं है या वो नहीं, क्योंकि ट्रेनर्स नहीं है, एब्सेंस है उनकी और मैं मैनेजमेंट देखता हूँ राइट, तो कुछ भी है आप मुझे बता सकते हैं। एनीथिंग विच यू हैव, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है मुझे फीडबैक में बतानी ज़रूरी है जो नेगेटिव हो? एवरीथिंग्स फाइन, तो थैंक्स वेरी मच फॉर टुडे। अभी हमारा रिव्यू सेशन ओवर हो चुका है और हमें अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा चल रहा है, सो दिस इज़ गुड फॉर DIDMT। थैंक यू सो मच। जैसा आपने अभी देखा कि हमारा स्टूडेंट्स लाइव रिव्यू सेशन अभी ओवर हुआ है और उसमें हमें मैक्सिमम रिव्यूज़ पॉजिटिव ही मिले हैं, इससे हमें पता चलता है कि DIDM अपने प्रोमिसज को डिलीवर करता है, क्वालिटी को मेनटेन करता है। अगर आप भी हमारा पार्ट बनना चाहते हैं, DIDM में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं www.didm.in। थैंक यू सो मच।